स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बच्चों की किडनैपिंग की घटनाएं रोजाना देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन वाराणसी के छात्रा ने एक ऐसी यूनिफॉर्म डिवाइस बनाई है जो न सिर्फ इस तरह की घटनाओं को रोकने में मददगार होगी बल्कि किडनैपर्स की लोकेशन भी देगा। इस यूनिफॉर्म का नाम है स्मार्ट ट्रैकर यूनिफॉर्म। देखने में तो ये बच्चों के सामान्य कपड़ों की तरह दिखता है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा डिवाइस छिपा है जो किडनैपर को तत्काल पहचान लेगा। अगर किडनैपर बच्चे को लेकर घर से बाहर निकलता है तो घर के गेट पर लगा डिवाइस बीप की आवाज देगा, और अगर किडनैपर उसे भी पार कर लेता है तो आगे बढ़ते ही कपड़े में लगा डिवाइस किडनैपर की लोकेशन देगा, और जहाँ भी किडनैपर जाएगा या बच्चा होगा आप आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। वाकई में एक ऐसा यूजफुल कहिए कि बच्चों के सिक्योरिटी के लिए एक डिवाइस हो सकता है कि बच्चा घर से बाहर जा रहा है, पेरेंट्स को अलर्ट मिल जा रहा है, बच्चा खो जा रहा है या किडनैपिंग हो जा रही है, तो इससे पुलिस और पेरेंट्स को दोनों को मदद मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1200 से 1500 रुपये जो कॉस्ट है इसका वो काफ़ी सही है। लोग अब 1200 से 1500 रुपये में खरीद के अपने बच्चों को यूज़ कर सकते हैं इस तरह के डिवाइस को। हैरत की बात ये है कि इतने काम के डिवाइस की कीमत मात्र 1500 रुपये है। इसकी कम कीमत को देखते हुए आने वाले दिनों में स्कूलों में इसका इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है, ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनके अभिभावक निश्चिंत रह सके। इसमें हम लोगों ने GPS के साथ साथ रिसीवर और ट्रांसमीटर भी लगाया है। जैसे कि रिसीवर को गेट के बाहर लगाए हैं, रिसीवर को गेट के बाहर लगाए हैं, ये हम लोग का रिसीवर जो इसको गेट के बाहर लगाए हैं, और जो ट्रांसमीटर है वो यूनिफॉर्म में है। बच्चा जैसे ही यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलेगा, गेट के बाहर जो अलार्म रहेगा वो बजना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि पेरेंट्स अलर्ट हो जाएंगे और उसमें एक कमांड सेंड करके बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकेंगे, जिससे कि पुलिस और पेरेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी बच्चे को ढूंढने में। स्मार्ट ट्रैकर यूनिफॉर्म डिवाइस आज भले ही एक प्रयोग मात्र हो, लेकिन जिस तरह बच्चों की किडनैपिंग की वारदात बढ़ रही है, ऐसे में ये यूनिफॉर्म डिवाइस आने वाले समय में एक वरदान की तरह साबित होगा। जो ट्रैकर है वो मोबाइल पर बच्चे की लोकेशन को शो करेगा, यानी आपका बच्चा जिस लोकेशन पर भी हो ये यूनिफॉर्म आपको पूरी सूचना देगी। तो आने वाले समय की ज़रूरत है ये यूनिफॉर्म। आप अगर अपने बच्चे की यूनिफॉर्म खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस तरह की यूनिफॉर्म बाज़ार में आएगी, और बाज़ार में आने के साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म में भी इसे लाने की योजना है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। और अब रुख करते हैं नोएडा का, जहां डॉग लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है। नोएडा के सेक्टर 104 में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसे खास तौर पर डॉग्स के लिए डिजाइन किया गया है। बाग स्ट्रीट नाम के इस रेस्टोरेंट में इंसानों के साथ साथ डॉग्स भी अलग अलग तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। अपनी इस अनोखी खासियत की वजह से यह रेस्टोरेंट अब बेहद चर्चा में है। रेस्टोरेंट और कैफे में तो अपने दोस्तों और परिवार संग खूब मस्ती की होगी, लेकिन क्या कभी ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में आपने सुना है जहां आप अपने प्यारे डॉगी संग खाने का मजा ले सकते हैं? सुनकर बेशक कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन नोएडा के सेक्टर 104 में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जिसे खास तौर पर डॉग्स के लिए डिजाइन किया गया है। बार्क स्ट्रीट नाम के इस रेस्टोरेंट में इंसानों के साथ साथ डॉग्स भी अलग अलग तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। मेन्यू में जहां लोगों के लिए खाने की काफी डिश है, वहीं डॉग्स के लिए 15 अलग अलग तरह के पकवान के साथ 5 तरह की ड्रिंक्स भी शामिल है। यही नहीं, इस रेस्टोरेंट में आपके डॉगी के बर्थडे पर आप खास पार्टी भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के संचालक के मुताबिक बचपन से कुत्तों के प्रति खास लगाव के चलते उन्होंने अपने 4 दोस्तों संग ये स्टार्टअप शुरू किया है। हम लोग यही सोचते हैं कि इसको जितनी भी सारी सर्विसेज हैं डॉग रिलेटेड, जो भी चीज़ें हैं, उनको सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। एंड बाग स्ट्रीट एक कैफे के साथ साथ इन्हीं सारी सर्विसेज में अगर आप किसी डॉग्स के बारे में सोचेंगे तो आपको बाग स्ट्रीट के बारे में सोचना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। वहीं रेस्टोरेंट में आए लोगों का कहना है, किसी भी रेस्टोरेंट में हम अपने डॉग्स को लेकर साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है जिसकी वजह से वो इसे तरजीह देते हैं।
दिल्ली NCR में ये अपने तरह का पहला रेस्टोरेंट है। रेस्तरां के संचालक के मुताबिक इस रेस्टोरेंट का उद्देश्य डॉग्स के कुछ समय के लिए घर के वातावरण से दूर लाना भी है, ताकि उन्हें अच्छा महसूस होने के साथ दूसरे डॉग्स के साथ भी खेलने का मौका मिले। ABP गंगा के लिए नोएडा से रविंद्र जैन की रिपोर्ट।